स्नैपचैट किसी भी कीमत पे अपने किसी भी कॉम्पिटिटर से पीछे नहीं रहना चाहता, चाहे फिर बात शॉर्ट्स वीडियो की ही क्यों ना हो। इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया रील्स, यूट्यूब ने लॉन्च किया शॉर्ट्स को, टिकटॉक मौज ऑलरेडी थे ही, एंड अब स्नैपचैट भी अपने एक ब्रांड न्यू फीचर लेके आ गया जिसका नाम है स्पॉटलाइट। एंड स्पॉटलाइट कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इसे मोनेटाइज किया जा सकता है, इसे पैसे कमाए जा सकते हैं, अगर हाँ तो इसका क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। करें स्टार्ट। स्पॉटलाइट यूज करने के लिए आपको स्नैपचैट में जाना है। स्नैपचैट में आपको राइट में बॉटम में आपको स्पॉटलाइट ऑप्शन दिख जाएगा। आईफोन में स्पॉटलाइट वहां पे लिखा नहीं आता, सिर्फ ये प्ले बटन दिखता है। ये प्ले बटन है, बैक बटन नहीं है। मैं इसे बैक बटन समझता था इनिशियली, बट ये प्ले बटन है स्पॉटलाइट का। आपको स्पॉटलाइट पे क्लिक करना है, सेम वही फीचर है, आपको बस ऐसे ऐसे करते जाना है। जैसे हम लोग रील्स में करते हैं, टिकटॉक में करते हैं, बस ऐसे आपको स्वाइप अप करो और देखते रहो ये सारी चीज़ें। आप यहाँ से इसे शेयर कर सकते हो, शेयर के लिए आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। यहाँ से कॉपी लिंक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। इसे डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही ईजी है यहाँ से इसे डाउनलोड करना। बट इसमें आपको वाटर मार्क मिलेगा, जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे वाटर मार्क नहीं मिलता यूजुअली, बट हाँ इस पे आपको स्नैपचैट का वाटर मार्क मिलेगा अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं। एल्स आप इसे यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको इसे पसंद नहीं है जैसे और प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, अगर आपने लाइक किया सिर्फ लाइक का ऑप्शन मिलता है, डोंट लाइक का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको यहाँ पे डोंट लाइक का भी ऑप्शन मिलता है। राइट, आप यहाँ पे सिंपली इसे डोंट लाइक कर सकते हो। आपको इसका इंटरफेस बिल्कुल ही टिकटॉक और रील्स जैसा ही मिलेगा। इस साउंड पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, यूज दिस साउंड, आप इस साउंड को यूज कर सकते हो। आप इस तरह से वीडियोस बना सकते हो। सी, अब आप इसे शेयर कर सकते हो स्पॉटलाइट पे। आप इसे एडिट करना चाहते हो, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो, आप इसे शेयर कर सकते हो। स्पॉटलाइट का ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा, आप यहाँ पे इसे स्पॉटलाइट पे क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा आपकी जो भी वीडियो होगी स्पॉटलाइट की वो पब्लिक होगी, चाहे आपका अकाउंट प्राइवेट ही क्यों ना हो। यहाँ पे सीधा लिखा है स्नैप सबमिटेड टू स्पॉटलाइट आर पब्लिक एंड विजिबल टू एनीवन थ्रू स्नैपचैट और अदर सर्विसेज, दीज स्नैप्स मस्ट कम विद अवर गाइडलाइंस ऑल्सो। अगर गाइडलाइंस हैं इनकी कुछ, आप उन्हें पढ़ सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, सेम वही गाइडलाइंस है जो अलग शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म्स की होती है। तो इस तरह आप स्पॉटलाइट को यूज़ कर सकते हो। एंड स्पॉटलाइट अभी इंडिया में नया ही लॉन्च हुआ है एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है टू ग्रो और जल्दी से आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकते हैं। तो आप स्पॉटलाइट यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रैंडम अपनी एक स्टोरी बनाई थी, स्टोरी को मैंने स्पॉटलाइट में यूज़ किया था एंड आप उसमें व्यूज़ देख लीजिए, मेरे हार्डली एक मिनट में 300 हो गए थे, 500 प्लस हैं। ओके, तो आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। एंड स्पॉटलाइट का मैं बताता हूँ मोनेटाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है, और कंपनी ने खुद बोला है कि आप एक दिन में $1 million तक भी कमा सकते हो स्पॉटलाइट से। बट उसके लिए जो आपकी स्पॉटलाइट पे जो भी वीडियो है वो एक स्पॉटलाइट कैमरे से ही रिकॉर्ड हुई हो, वो वीडियो वायरल हो और स्टैंड आउट करे जितने भी उसके कॉम्पिटिशन में वीडियोज थी उनसे ऊपर, और जितने ज्यादा यूनिक व्यूज आएंगे उतने ही उसको पैसे मिलेंगे। अगर वो वीडियो वायरल होती है तो स्नैपचैट अपना खुद का जो रिवेन्यू है वो शेयर करेगा आपके साथ, अगर आपकी वीडियो वायरल होती है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ इसका क्राइटेरिया क्या है। आप 16 ईयर प्लस होने चाहिए, आपका मिनिमम फॉलोअर 1 होना चाहिए, यही क्राइटेरिया और कुछ नहीं है। आप इसमें 60 सेकंड तक की वीडियो बना सकते हो। इसमें और भी फीचर्स मिल जाते हैं, आप उसमें कैप्शंस ले सकते हो, आप उसमें जीआईएस लगा सकते हो, आप उसमें स्टिकर्स लगा सकते हो, और कोई भी साउंड यूज कर सकते हो चाहे अपनी गैलरी से ही क्यों ना हो। और गैलरी से मुझे याद आया कि क्या हम इसमें अपनी गैलरी से वीडियोज अपलोड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियोज लिमिटेड होनी चाहिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि एक दिन में आप शायद एक ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप अपनी गैलरी से भी अपनी वीडियो एडिट करके अच्छे से इसे अपलोड कर सकते हो, बट आप स्नैपचैट का कैमरा यूज करते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। स्पॉटलाइट पे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो देन जो भी शॉर्ट्स वीडियो प्लेटफॉर्म है उनसे, क्योंकि वहां कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एंड स्नैपचैट पे कॉम्पिटिशन बनेगा लेकिन अभी नहीं है। तो आई वुड से गो फॉर स्पॉटलाइट, एंड आई होप आपको स्पॉटलाइट से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इफ यस, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि जितनी भी अच्छी और पुरानी एप्लीकेशन है, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे क्लब हाउस हो, चाहे फेसबुक हो, इनसे रिलेटेड कोई भी नया फीचर आता है, कोई भी नई अपडेट आती है, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ, और कोई भी नई और अच्छी एप्लीकेशन आती है मैं उसे रिव्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच।